हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? तो होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज बज रहे हैं 11:15 और आज तो मैं और लेट उठा। पहले 10:30 उठता था, उसके बाद मैं 10:45 पर उठता था, फिर कल मैं 11 बजे उठा और आज उठाऊँ मैं 11:15 पर। तो मतलब रोज़ 15-15 मिनट का इजाफा हो रहा है मेरे उठने में। तो आज तो वैसे मैं लेट इसलिए उठा क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, फाइनली छुट्टी मिली है एक। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में है हमारे लिए, मेरे लिए रोटी और टमाटर की चटनी। तो अभी गाइज हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था, तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं घर का राशन लेने। हमारे घर में अभी चावल और आटा खत्म हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं चावल और आटा लेके आते हैं। मम्मी को मैं कब से कह रहा हूँ चलो चलो चलो, और मम्मी पूरे घर में ना गोल गोल घूम रही है, बस गोल गोल, और चल नहीं रही तब से, आधा घंटा हो गया मम्मी को यहाँ गोल गोल घूमते हुए। मुझे दाल बनाई एकदम चटपटी बना सकती है, तो नहीं खाने सुन दाल। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में राशन लेने के लिए, क्योंकि चावल का कट्टा और आटा कट्टा लाना ना, तो बाइक स्कूटी में ला नहीं सकते, बाइक वैसे पापा ले गए तो स्कूटी में आएगा नहीं। तो अभी हम गाड़ी में लेके चलेंगे। गाड़ी में देख रहे हो धूल कितनी हो रही है, साफ भी नहीं हुई है बहुत टाइम से। क्या कह रहे हो, कब करे थे पापा ने साफ? तो यहाँ पेड़ के नीचे रखी किसने? ये हंसता ने क्यों? तो अभी चलते हैं राशन लेके आते हैं अपना। गाड़ी देख रहे हो कितनी गंदी हो रही है, आगे से दिखाता हूँ आपको, ये देखो पत्ते पत्ते हो रखे इस गाड़ी में। तो अभी चलते हैं हम अपना पहले सामान लेके आते हैं, फिर अब मेरा मैंने रखी हुई है, मैंने रखी सेम केंद्र भंडार नहीं है मुझे। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे राशन लेने केंद्रीय भंडार में। तो उधर आप मम्मी को देख सकते हैं, मम्मी ने चने की दाल उठा ली है और हमारा राशन डाल चुका है मैं इस बास्केट में। आप आटा लेने आई थी, आपने 10 चीजें ले ली। तो अभी हम आए हैं चावल का कट्टा लेने। पहले हम आटा और छोटा मोटा राशन लेने गए थे केंद्रीय भंडार, चावल कट्टे मिलते हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पर आए चावल कट्टे लेने। कितने का है लक्ष्मी का कट्टा? कितने का? बाहर आओगी यहाँ से, बाहर आ नहीं रही हो गाड़ी से, निकालो सामान को जल्दी से। ये है हमारा सामान राशन, ये 35 किलो का चावल का कट्टा, 10 किलो के दो आटे कट्टे। मम्मी आटा है इसमें, कैसे और भी है क्या? दिखिए आपको कहाँ पे कहाँ नहीं है यार। हाँ हाँ, कहाँ से आई चीटियाँ? तो इधर की सबसे अच्छी बात है हमें कंधे पर रख के नहीं लेके जाना पड़ेगा, सारा सामान लिफ्ट में रखो, फोर्थ मंजिल में अपने आप पहुंच जाएंगे। नहीं तो हमें पुष्पिहार में कंधे में लेके जाना पड़ता है। पहुंच गए अभी घर, सामान हमारा सारा आ चुका है, चावल का कट्टा आ चुका है, इधर मम्मी ने दही ले ली है और हमारा आ चुके हैं दो आटे के कट्टे, और इसमें भी हमारा छोटा मोटा राशन आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा भारी था, काफ़ी ज़्यादा भारी था चावल का कट्टा 35 किलो का। कमर दर्द हो गई मेरी, कमर में तो नाल पड़ी हुई है, मुझे झुकता हूँ मेरी कमर दर्द हो जाती है। नहीं USA में पता नहीं, मुझे लग रहा है वहाँ पर सामान उठा के हुआ मेरे, जबकि मैंने ज़्यादा सामान भी नहीं उठाया वहाँ पर। बस बस सोच रही हो वहाँ पे, ये नहीं कि ये दे। अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, तो अभी मेरे दोस्त का फोन आया, तो अभी हमारा प्लान कुछ ऐसा है, हम जाएंगे सेलेक्ट सिटी मॉल, तो वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो अभी हमारा लंच तो हो चुका था, अभी आशीष जस्ट स्कूल से आया, वो भी लंच कर रहा है, मनीषा अभी ऑफिस का काम कर रही थी तो वो भी अभी लंच कर रही है, और हर्षिता तो अभी सो रही है, उसकी नाइट ड्यूटी है ना। तो अभी हम चलते हैं मॉल, मिलते हैं हम आपसे अभी थोड़ी देर में, अपने दोस्त को पहले उठाते हैं फिर चलते हैं। जेब में है यार, जेब में, जेब में। चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये शूज़ का आप पेयरिंग देख सकते हैं, एक शूज़ मैंने अलग पहना है, एक शूज़ अलग पहना है, लेकिन है दोनों पेयर, बस थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो अभी चलते हैं, फिर मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाता हूँ, नीचे से ऊपर तक का ये पूरा मेरा आउटफिट है।
मैं पहुंच चुका हूं अपने दोस्त के घर के पास और मेरा दोस्त आ चुका है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और हाँ भाई क्या हाल है, तू कब जा रहा है काशीपुर? कल जाएगा। तभी हम शॉपिंग करने हैं शॉपर स्टॉप्स में, तो अभी जो मेरा फ्रेंड है वो गया है ट्रायल रूम में कपड़े चेंज करने, कपड़े देखने मतलब फिटिंग के। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर ना काफ़ी अलग अलग ब्रांड के कपड़े रखे हुए हैं, मतलब हर ब्रांड के कपड़े हैं यहाँ पर, एडिडास, नाइकी, नोटिका, लुइस फिलिप्स, यूसीबी, हर तरीके के। तो गाइज अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, इज़ माई फ्रेंड, वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर इन कवाली रेस्टोरेंट। अभी हम शॉपिंग करने आए थे यहाँ पे, अभी हमने लोअर फिटिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो गाइज अभी हम आए फूड कोर्ट में खाने के लिए कुछ, तो शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई थी, तो अभी हम कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी देखते हैं क्या चलता है, क्या खाते हैं। फाइनली गाइज अभी हमारा हो चुका है सारा काम, तो मेरा दोस्त जा चुका है अपने घर और मैं भी निकलता हूँ अपने घर के लिए, उसको थोड़ा शॉपिंग करवाना था, तो उसकी शॉपिंग हो चुकी है, खाना वाना हमने खाया मस्त अपना पिज्जा बर्गर, और मेरे फ्रेंड ने अपने घर के लिए भी थोड़ा पैक करवाया, तो अभी मैं अपने फ्रेंड को जस्ट घर छोड़ के, तो अभी मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए और फिर मिलता हूँ मैं आपसे घर पे, क्योंकि अभी रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक है ना, तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इस वजह से मैं ब्लॉक करूँगा नहीं रास्ते में, नहीं तो फिर खाली लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ एक बार रास्ता, रास्ता आप देख ही सकते हैं कितना कंजेस्टेड रास्ता है, तो दिल्ली में मतलब ऐसे ही है, रास्ता काफ़ी कंजेस्टेड ही रहता है। तो आप ये देखो मेरे आगे एकदम पानी भरा हुआ है और लोग मतलब रास्ते में खड़े हो रखे हैं, बाइक वगैरह उन्होंने अपने रास्ते पर लगा रखी है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी चलते हैं अपना मस्त घर, फिर मिलेंगे हम आपसे भी थोड़ी देर में। तो अभी गाइस जस्ट मैं पहुंचा हूँ घर, और जैसे ही मैं घर पहुंचा था ना तो मनीषा का फ़ोन आया था, तो मनीषा कह रही कहाँ पर है, तो मैंने घर पे बोला है कि मैं पहुंच गया हूँ गुड़गांव, लेकिन मैं पहुंचा हूँ अभी घर, तो अभी चलते हैं मम्मी और पर रिएक्शन देखते हैं मम्मी और क्या बोलते हैं। तो अभी मुझको वो तो सच में सोच रहे होंगे कि मैं गुड़गांव पहुँच गया, लेकिन मैं तो घर पहुँच गया हूँ, और पापा तो एकदम गुस्से से लाल हो गए होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लिफ्ट भी नहीं आ रही है, 1-2-3 चलो एक लिफ्ट आ गई है, तो अभी चलते हैं घर वालों का रिएक्शन देखते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने फ्लोर में, तो अभी घर वालों का रिएक्शन देखेंगे, अभी मैं आपको घर वालों का रिएक्शन दिखाता हूँ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, आप घर वालों का रिएक्शन देख लो, मैंने घर वालों को बोला मैं गुड़गांव में हूँ, देख लो, जस्ट फोन आया था अभी, जस्ट खाना आ रहा है, खाना मंगवा दिया मैंने। बस बस आप तो रहने दो, आपको तो पूरा, आपको तो पूरा यकीन, पूरा यकीन हो गया होगा कि मैं गुड़गांव में हूँ। हर्षिता का भी आ गया, पापा का आ जाएगा, हर्षिता की बात तो करा मैंने, अप्लाई पापा का, हाँ हाँ आ जाएगा, पापा का भी आ जाएगा, इसका नहीं आया ना, इसने अप्लाई भी नहीं करा। अभी गाइस मैंने बाहर से खाना मंगाया था, तो हमारा बाहर से खाना भी आ चुका है, अभी हम खाएंगे मस्त खाना अपना, हमारा सारा काम हो चुका है आज के दिन का, और आज की छुट्टी मेरी काफ़ी अच्छी गई, और हर्षिता जा रही है अभी ड्यूटी अपनी नाइट शिफ्ट, और मनीषा वहाँ पर अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही है, लेट लेट के कुछ नहीं कर रही है वो, और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे IPL, कुछ नहीं कर रही है गाइस, ये देखो गाइस ये कुछ नहीं कर रही है, घर में भी हर्षिता जा रही है ना ड्यूटी, तो इसलिए थोड़ा पहले खा रही है, हाथ हटा ले अपना, उसको खान दे, हम खाएंगे बाद में, अभी जब पापा आ जाएंगे नीचे से उसके बाद खाएंगे हम, लेकिन ये अभी भी खा रही है, ये बाद में भी खाएगी, इसको आप देखते रहो गाइस, इसको आप नोटिस कर लो एक बार, यार लग अच्छा होता है। तो गाइस अभी हम किचन में आए, मनसा बना रही है रोटी गार्लिक लच्छा पराठा, ये तो कोदे की रोटी है, गार्लिक क्या है, गार्लिक आई थी तू,
लच्छा पराठा बना गाइस, इसका लच्छा पराठा देख लो एक बार गाइस। मैंने सर ने देखो लच्छा पराठा बनाया, चुर क्या लच्छा चुर नान मैंने सर चुर चुर नान बनाया। तो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 11:30, तो अभी चलते हैं, इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, तो वहाँ से छुट्टी थी तो 12:30 बजे तक मेरा व्लॉग एडिट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपलोड कर देंगे, उसको डाल देंगे अपलोड में, फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। बाय गाइज़।